नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर का दौरा करने, रैलियों को संबोधित करने और लोगों के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी उपायों की शुरुआत करने की जल्द है संभावना। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बुधवार को डोडा जिले के गंदोह में एक पुलिस परिसर का उद्घाटन कर सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा और कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पाकिस्तान की देन, हमारी कोशिश इसे जड़ से खत्म करना, इस साल 31 आतंकी किए ढेर। नौसेना अगले हफ्ते पेश करेगी नया स्वदेशी रोडमैप, स्वावलंबन सेमिनार में भाग लेंगे पीएम मोदी। गुरुवार से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधे सभी बड़े यात्री वाहनों को जाने की अनुमति होगी। इसकी जानकारी ऑल जेएनके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय सिंह चिब ने बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परिचालन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए लद्दाख के अग्रिम इलाकों का किया दौरा और भारतीय वायुसेना से जुड़े एकीकृत प्रशिक्षण को देखा। जम्मू कश्मीर के डावर से लेकर सिक्किम के किताम तक भारत भर के 35 गांवों को एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता के बाद देश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है, जिसके मूल्यांकन मानदंड सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप थे। कटरा में 15 अक्टूबर से नवरात्रि उत्सव होगा शुरू। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पिछले कई वर्षों से तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर 2023 में 40वें स्थान पर पहुंचा। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।